हेलो स्टूडेंट्स आज मैं कॉस्पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो कॉस्पोस्टुलेट्स क्या है कॉस्पोस्टुलेट्स एक साइंटिस्ट ने कुछ पोस्टुलेट्स दिया था इन्फेक्शनस डिजीज के ऊपर साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कॉस ही वाज बोर्न इन 11 दिसंबर 1843। ही वाज ए जर्मन फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टेरियोलॉजिस्ट He identifies several infectious diseases like tuberculosis and cholera. We know that tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis, cholera is caused by Vibrio cholerae. He was a surgeon. So, basically, what he do, he began conducting research on microorganisms in the laboratory connected to his patient examination room. कुछ इन्फेक्शनस डिजीज़ का कुछ बैक्टीरिया मिलने से वो फिर लैब में आइसोलेट करते थे फिर वो बैक्टीरिया से वो देखते थे कि फिर से डिजीज़ हो सकता है क्या फिर वो पेशेंट को टेस्ट करते थे कि वही बैक्टीरिया वही डिजीज़ का एजेंट है क्या कॉस रिसीव द नोबल नोबल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन नाइनटीन हंड्रेड फाइव फॉर हिन इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरीज इन रिलेशन टू ट्यूबरकोलिस এণ্ড আই মূৱ টু কচপছ কচপ কু দিয়া থাকেটিফাই দ কজিটিভ এজেণ্ট অফ এন ইনফেকশানজ ডিজিজ চ' হি পপজ ফ'ৰ ক্ৰাইটেৰিয়া টু আইডেণ্টিফাই এ ইনফেকশ্ন ডিজিজটো ফৰ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ৱাজ ডেট মাইক'আৰ্গেনিজম আৰুদৰ ফেথ'জেন মজ বি প্ৰেজেণ্ট ইন অল কেছ অফ দা ডিজিজ মানে যাইক'আৰ্গেনিজম হ'ব वो डिजीज़ का जो डेड ऑर्गेनिज्म होगा या तो जो इन्फेक्शनस एजेंट होगा उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना है द पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज हॉज एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर मैंने एग्जाम्पल कोई पेशेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रजेंट होगा कोई डेड पेशेंट से या डिजीज़ पेशेंट से वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैब में लाएगा फिर वो जो पैथोजन um, होगा वो लैब में आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराएगा द पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज हॉज एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मज कॉज द डिजीज वैन इनोकुलेट इंटू ए हेल्दी ससेप्टेबल लेबोरेटरी एनिमल माने जो पैथोजन प्योर कल्चर करेगा फिर से वो हेल्दी इंडिविजुअल में वो इनकुलेट करेगा और देखेगा कि मतलब वो जो हेल्दी इंडिविजुअल का बीमार सिर्फ वो पैथोजन की वजह से ही हुआ है क्या द पैथोजन मज री आइसोलेट फ्रॉम द न्यू हॉज एंड चोन टू बी सेम एज ओरिजिनली इनोकोलेट पैथोजन पैथोजन को फिर से वो डिजीज हॉस से फिर से कल्चर करेगा फिर देखेगा कि आगे का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ उसका कुछ सिमिलियर है क्या तो ये था कॉस्पोस्टुलेट्स कॉस्पोस्टुलेट्स का कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सब आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं हो सकता है सर्टेन बैक्टीरिया है कुछ कुछ वायरसेज भी है जैसे ट्रेपोनिमा पेलीडाम है वी ऑल नो दैट ट्रेपोनिमा पेलीडम कॉजेज साइफेलिस वी नो दैट साइफेलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड ट्रेपोनिमा पेलीडम इज ए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दैट बोला कि एक्सेप्शन क्या है क्या मतलब कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो और कल्सर इन आर्टिफिशियल मीडियम कॉज ने बोला था कि एक डिजीज़ को सिर्फ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिजम डिजीज़ कर सकता है एक माइक्रो वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन डिजीज़ बट देखा जाए तो कुछ कुछ डिजीज़ है सेवरेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ काम करके डिजीज़ डेवलप करते हैं लाइक like वी नो दैट न्यूमोनिया न्यूमोनिया सेवरल टाइप्स का होता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया होता है बैक्टीरियल न्यूमोनिया होता है और एस्पिरेशन न्यूमोनिया होता है मतलब न्यूमोनिया को अलग अलग डिजीज अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूमोनिया डेवलप करने में मदद कर सकते हैं तो इसमें क्या है टू और मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व टू कॉज ए डिजीज और कॉज ने बोला था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह ही सिम्टम दिखाएगा पर देखा जाए तो सिम्टम्स एंड डिजीज कैन बी कॉजेज बाय वन और माइक्रो माइक्रोर्गेनिज्म जैसे स्टेप्टोकोकस है कॉजेज सॉल्ड ट्रूथ स्कॉलेट फीवर एंड न्यूमोनल फीवर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये है कॉस्पोस्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो इसमें देखा जाए कि पहला जो पहला जो रेड है वो डिजीज है इसमें पैथोजन है या तो बैक्टीरिया होगा या तो कुछ वायरसेस होगा ये है सस्पेक्टेड माइक्रोर्गेज हम देखेंगे कि इसमें किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमने रेड ब्लड सेल उसी से लिया डिजीज एनिमल से तो हमने आर्टिफिशियल मीडियम में उसको ग्रो करवाया फिर देखा कि वो जो डिजीज पैथोजेन है और पैथोजन जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो आर्टिफिशियल मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो हो गया तो ग्रो होने के बाद एक हेल्दी इंडिविजुअल हम लेंगे तो हेल्दी इंडिविजुअल में जो कल्सर मीडियम में जो बैक्टीरिया बैक्टेरिया वायरसेस ग्रो हुआ था तो हम हेल्दी इंडिविजुअल में इनोकुलेट करेंगे फिर देखा जाए तो वो, वो जो हेल्दी एनिमल था जिसमें हमने डिजीज इनोकुलेट किया था उसमें वो जो सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया वायरसेस जो भी है पहले से तो वो उसमें प्रजेंट है ये है कॉस्पस्टुलस तो हम ऐसे देखें तो इसमें देखा जाए कि एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसमें रेड ब्लड सेल लिया तो हेल्दी इंडिविजुअल होगा तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका जो रेड ब्लड सेल है उसको हमने आइसोलेट किया तो हमें कोई पैथोजन नहीं मिला तो इसी से हम देख सकते हैं कि मतलब जो डिजीज़ जो डिजीज माइक्रो जो डिजीज एनिमल होगा या डिजीज हॉस्ट होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम रहेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइसोलेट करेंगे फिर आइसोलेट करके हम कन्फर्म करेंगे कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही डिजीज़ कर रहे है फिर उसी को हम टेस्ट कराने के लिए कॉस्पस्टोडेज को प्रूफ करने के लिए उसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे फिर हम कुछ हेल्दी इंडिविजुअल लेंगे तो हेल्दी इंडिविजुअल में हम उसे फिर इसे डिजीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे फिर हेल्दी एनिमल से हम वो डिजीज़ को आइसोलेट करेंगे फिर हमें मिलेगा कि डिजीज एनिमल में जो पैथोजन था और मतलब हेल्दी इंडिविजुअल को इनोकुलेट करने के बाद जो पैथोजन है सेम मिला फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोरोना कोरोना वायरसेस लिया राइट तो एग्ज़ाम्पल इसमें एक रेट में कोरोना वायरसेस है एग्जाम्पल अभी तक तो रेड में नहीं मिला फिर भी मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल इसमें एक रेत में कोरोना वायरसेस है तो कोरोना को कोरोना को हम आइसोलेट करेंगे लैब में तो लैब में आइसोलेट करने के बाद उसका हमने कल्सर पैथोजन मिला तो पैथोजन मिलने के बाद हम ओ पैथोजन को एक हेल्दी रेत में इनोकुलेट करेंगे फिर इनोकोलेट करने के बाद ओ रेत का कोरोना हो गया फिर हम ओ डिज़ीज़ एनिमल है उसी से हम फिर से कोरोना को आइसोलेट करेंगे फिर आइसोलेट करने के बाद हमें मिला कि हमने जो आर्टिफिशियली जो डिजीज़ एनिमल को क्रिएट किया था उसमें वही पेथोजन है जो पहले वाला डिजीज़ एनिमल में डिजीज़ किया था राइट होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू प्लीज़ गिव मी फीडबैक